गुस्से में आकर मैंने उसे बहुत झाड़ा, रुक रुक कर बारिश हो रही है, यहाँ एक स्कूल होना जरूरी है, उसकी खुशी कुर्बान करके मैं यह नहीं कर सकता। बड़े दुख की बात है कि तुम फेल हो गए। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर वन बाय वन करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, रुक रुक कर कुछ भी होना। तो कई बार आप ऐसे बोलते हैं, रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इंटरमिटेंटली का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जांपल देखिए। बारिश रुक रुक कर हो रही है, मैं आज नहीं आ पाऊँगा। आप किसी को बता रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, इट्स रेनिंग इंटरमिटेंटली, I will not be able to come today. It's raining intermittently. I will not be able to come today. आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। आज बहुत गर्मी है, हवा भी रुक रुक कर चल रही है। आप बना सकते हैं, It's pretty hot today. Even wind is blowing intermittently. It's pretty hot today. Even wind is blowing intermittently. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, गुस्से में आकर। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, गुस्से में आकर मैंने उसे पीटा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन एंगर का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। गुस्से में आकर मैंने उसको बहुत झाड़ा, क्योंकि वह मेरा फोन नहीं उठा रहा था। आप बना सकते हैं, आई रिब्यूक्ड हिम अ लॉट इन एंगर बिकॉज ही वॉज नॉट आंसरिंग माई कॉल। आई रिब्यूक्ड हिम अ लॉट इन एंगर बिकॉज ही वॉज नॉट आंसरिंग माई कॉल। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। गुस्से में आकर मैंने उसे डांटा, क्योंकि वह पढ़ाई नहीं करता। आप इसके लिए बना सकते हैं, आई स्कॉल्डेड हिम इन एंगर बिकॉज ही डजंट स्टडी। आई स्कॉल्डेड हिम इन एंगर बिकॉज ही डजंट स्टडी। आप इस तरीके से इसका यूज करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, होना जरूरी है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, यहाँ एक हॉस्पिटल होना जरूरी है, या फिर यहाँ एक स्कूल होना जरूरी है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप देयर हैज़ टू बी का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जांपल देखिए। ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए एक मोबाइल का होना जरूरी है। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं, देयर हैज़ टू बी अ मोबाइल टू स्टडी ऑनलाइन। There has to be a mobile to study online. आप इस तरीके से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। वहाँ जाने के लिए एक गाड़ी का होना जरूरी है। मान लीजिए डेस्टिनेशन आपका दूर है और आप ऐसे सेंटेंस बोल रहे हैं, तो आपको इसे इंग्लिश में बोलना है, There has to be a bike to go there. There has to be a bike to go there. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बड़े दुख की बात है कि। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, बड़े दुख की बात है कि तुम फिर से फेल हो गए। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप
इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ ग्रीफ डैट का यूज करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। बड़े दुख की बात है कि वह फिर से परीक्षा में फेल हो गया। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ ग्रीफ डैट ही फेल्ड अगेन इन द एग्जाम। इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ ग्रीफ डैट ही फेल्ड अगेन इन द एग्जाम। आप इस तरीके से इसका यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। बड़े दुख की बात है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ ग्रीफ डैट यू थिंक सो अबाउट मी। इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ ग्रीफ डैट यू थिंक सो अबाउट मी। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जिस तरह से या फिर जैसे। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, जिस तरह से वो बात करता है कोई भी उसे पसंद नहीं करता। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप द वे का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। जिस तरह से तुम बर्ताव करते हो किसी को पसंद नहीं है। आप बना सकते हैं, Nobody likes the way you behave. Nobody likes the way you behave. आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, बात ज़्यादा क्लियर होगी। जिस तरह से वह तुमसे बात करता है मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, द वे ही टॉक्स टू यू आई गेट वेरी एंग्री। द वे ही टॉक्स टू यू आई गेट वेरी एंग्री। आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, को कुर्बान करके कुछ करना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं अपनी खुशी को कुर्बान करके यह काम नहीं कर सकता। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एट द एक्सपेंस ऑफ का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मैं अपनी खुशी को कुर्बान करके पैसा नहीं कमा सकता। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई कैन नॉट अर्न मनी एट द एक्सपेंस ऑफ माई हैप्पीनेस। आई कैन नॉट अर्न मनी एट द एक्सपेंस ऑफ माई हैप्पीनेस। आप इस तरीके से इसे बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। मैं अपने परिवार की खुशी को कुर्बान करके मैं विदेश नहीं जाना चाहता। आप इसके लिए इंग्लिश में बोल सकते हैं, I don't want to go to abroad at the expense of my family's happiness. I don't want to go to abroad at the expense of my family's happiness. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजबल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।